नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक खास जानकारी जो कि है आम की पत्तियों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आम की पत्तियाँ रेशेदार और चमकदार होती है और इसका ऊपरी भाग बहुत ही नुकीला होता है। इन पत्तियों में बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। इसके अंदर एक मंगीफेन नामक पदार्थ होता है जिसके बहुत से फायदे हैं। पत्तियों का सेवन आप अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं। इसे पानी में उबालकर इसका पानी पी सकते हैं या इसका पाउडर बनाकर खा सकते हैं। आम की छोटी नई पत्तियां ज़्यादा लाभदायक होती हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे कि आम के पेड़ से निकलने वाला दूध आप अपने शरीर पर बिल्कुल ना लगने दें, क्योंकि इससे आपको एलर्जी भी हो सकती है। तो दोस्तों आज जो मैं आपको आम की पत्तियों के फायदे बताने जा रहा हूँ उसके बारे में आप सुनकर चौंक जाएंगे और आप विश्वास नहीं कर पाएंगे कि आम की यह पत्तियाँ हमारे शरीर के लिए कितनी फायदेमंद होती है और इन पत्तियों से कितने प्रकार के रोगों को दूर किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों अब बताता हूँ आपको किन किन रोगों में आम की पत्तियाँ बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो दोस्तों सबसे पहला जो रोग आता है वह है मधुमेह यानी कि डायबिटीज। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मधुमेह एक ऐसी बीमारी हो गई है जो कि आजकल सामान्य है। यूं कह लीजिए कि लगभग हर दूसरे से या तीसरे घर में हमारे बड़े बुजुर्गों को या किसी वृद्ध इंसानों को डायबिटीज की समस्या एक आम बासी हो गई है। मधुमेह के रोगी पत्तियों को दो तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, पत्तियों को छाया में सुखाया जाता है, उनका पाउडर बनाकर साफ डिब्बों में रख दिया जाता है, जिसके एक चम्मच का रोजाना सेवन करने से आपकी डायबिटीज को कंट्रोल किया जा सकता है। या फिर ताजी पत्तियों को पूरी रात पानी में भिगोकर अगले दिन उन्हें पानी से निकाल लीजिए। यह दोनों ही तरीके बेहद लाभदायक हैं। पत्तियां हमारे शरीर के इंसुलिन को बनाए रखती है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं डायबिटीज बहुत सी दिक्कतों को जन्म देता है, जैसे कि आंखों में होने वाली जलन आदि। आम की पत्तियों के अंदर टोनिन्स नामक पदार्थ होता है। आम की पत्तियों को चाय डायबिटीज, रेटिनोपैथी और वेस्कुलर एपैथी ठीक करने में बहुत मदद करती है। इसके अलावा दोस्तों रक्तचाप और चिंता में यह किस प्रकार फायदेमंद है उसके बारे में भी जान लीजिए। दोस्तों इन पत्तियों में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका शांत करने का प्रभाव होता है, यानी कि किसी भी समस्या को यह शांत करने के लिए बहुत ही लाभदायक मानी जाती है। यह हमारे शरीर की नसों को आराम देता है और शांति प्रदान करता है। आम की पत्तियों की चाय 2-3 कप पानी में डालकर नहाइए, इससे आपको ताजगी महसूस होगी और शरीर जवान महसूस करेगा और इन पत्तियों की चाय पीने से भी रक्तचाप भाग जाता है। आम की यह पत्तियां अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और खांसी में भी बहुत फायदेमंद है। यह सभी सांस की बीमारियां बहुत ही असरदार तरीके से आम की पत्तियों से ठीक की जा सकती हैं। काली खांसी से जल्दी छुटकारा पाने के लिए आप आम की पत्तियों से बना काढ़ा पी सकते हैं। यदि इसके साथ आप शहद मिलाकर पिए तो खराब गले को आराम मिलता है और आपकी खराब हुई आवाज भी ठीक हो सकती है। हिचकियों और दुखते गले के लिए भी यह पत्तियां बहुत फायदेमंद होती हैं। आम की पत्तियों को जलाकर उसके धुएं को अंदर लेने से बार बार आने वाली हिचकियों से आराम मिलता है। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में अधिक लोग नहीं जानते। आम की चाय के गरारे करने से भी बहुत आराम मिलता है, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि आप इस प्रक्रिया में खुद को जला ना लें, तो सावधानी पूर्वक आप इसका इस्तेमाल करें। जले हुए से राहत पाने में भी यह बहुत फायदेमंद होती है। यदि आपके शरीर पर जले हुए घाव हो तो आप आम की पत्तियों को जलाकर उनसे मिलने वाली राख का इस्तेमाल उससे जल्द राहत पाने के लिए कर सकते हैं। राख को अपने घाव पर लगाकर उसे जल्दी ठीक कर सकते हैं। मसूड़ों की में होने वाली परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए भी इन पत्तियों का बहुत ही इस्तेमाल किया जाता है। इन पत्तियों की राख को दांत में वहां लगाइए जहां दर्द हो, इससे दर्द से जल्दी आराम मिलता है।
इन पत्तियों को उबाल कर और उसका पानी अलग करके आप इससे गरारे कर सकते हैं। गरारे करने से मुंह की सभी परेशानियों से भी आराम मिल जाएगा। पथरी में भी यह बहुत फायदेमंद होती है। आम की पत्तियों के पाउडर का रोज पानी पीने के साथ सेवन करने से पथरी से छुटकारा मिलता है। धीरे धीरे पथरी को तोड़कर यह शरीर से बाहर फेंक देते हैं, यानी कि निकाल देते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने आम की पत्तियां किस प्रकार हमारे हेल्दी शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है, और इनसे बहुत सारे रोगों का भी हम आराम से इलाज कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी यह हेल्दी जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों यह आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और ऐसी ही तमाम हेल्थ से जुड़ी रोज नई वीडियो पाने के लिए तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।